वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर फार्मास्यूटिकल प्रिस्क्रिप्शंस विद द टॉपिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच टाइप ऑफ कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व इन आवर डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिंस, दैट इज कैलकुलेशन पार्ट विच आर इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग सो दैट फार्मासिस्ट शुड हैव अ थोरो नॉलेज रिगार्डिंग वेट एंड मेजर्स विच आर यूज इन द कैलकुलेशन। मीन्स कि जो भी फार्मासिस्ट है उसे डिस्पेंसिंग के लिए ये जो भी कैलकुलेशन मेथड हमारे फार्मेसी के अंदर डिस्क्राइब होते हैं उनकी उन्हें उसे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो किसी भी ड्रग या किसी भी डोज का कैलकुलेशन काफ़ी इजी से कर सके। मेनली हमारे जो फार्मेसी के अंदर होता है दो जो सिस्टम होते हैं, एक तो इम्पीरियल सिस्टम और एक मेट्रिक सिस्टम। ये दोनों बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले बात अगर हम करते हैं इम्पीरियल सिस्टम की, तो इम्पीरियल सिस्टम क्या होता है? इम्पीरियल सिस्टम इज़ एन ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। मेजरमेंट ऑफ वेट इज एन इम्पीरियल सिस्टम इज अ मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मतलब कि जो भी इम्पीरियल सिस्टम है, ये जो सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है जो हमारे फार्मेसी के अंदर यूज़ होता है वेट और मेजरमेंट के लिए, और इसको ये दो मेनली दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, दूसरा किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है, और दूसरा किसी भी सब्सटेंस के मास के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसे हम अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो आता है अवॉइडोपोइसिस सिस्टम, दूसरा आता है एपोथिकेरिस सिस्टम। अब अवॉइडोपोइसिस सिस्टम क्या होता है? अवॉइडोपोइसिस सिस्टम जो होता है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है पाउंड। पाउंड इसके अंदर स्टैंडर्ड यूनिट होती है, और उसके बाद में जो भी इससे छोटी सारी यूनिट्स इसके अंदर होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वन, जैसे हमारा हमारे इंडिया में क्या चलता है, एक किलोग्राम, उसके अंदर उसके बाद में ग्राम, मिलीग्राम, ये जो हमारे हमारा स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किलोग्राम। उसी तरह जो एवोड्रोपोइसिस सिस्टम होता है डिस्पेंसिंग के अंदर, उसके अंदर जो पाउंड होता है उसे स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है। तो हम देखते हैं कि एक पाउंड में 16 आउंस होते हैं, फिर से वन पाउंड के अंदर अगर बात करते हैं तो 7000 ग्रेन्स होती है। ये आउंस, ग्रेन्स, ये सब जो होती है वो पाउंड से छोटी यूनिट्स होती हैं। देन तो फिर अगर हम निकालते हैं 1 आउंस में कितने ग्रेन्स होते हैं, तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे 7000 डिवाइडेड बाय 16 ग्रेन्स, दैट इज़ 437.5 ग्रेन्स। अब ये तो बात हुई सारे जो भी वेटेड मटेरियल्स की। जैसे होता है ना, एक तो होता है केजी में, एक होता है लीटर में। अगर हमें किसी भी चीज़ को लिक्विड के अंदर मेज़र करना है तो उसके अंदर जो यूनिट्स होती है वो होती है 1 फ्लूइड आउंस, दैट इज़ 1 फ्लूइड ड्रेंच, जिस जो कि बराबर होता है 1 फ्लूइड ड्रेंच के बराबर होता है। 1 फ्लूइड ड्रेंच कितने के 60 मिनिमस के बराबर होता है। 1 गैलन इज इक्वल टू 16 फ्लूइड आउंस। ये सारी यूनिट्स होती है, और इस तरीके से कई सारी कैलकुलेशन का मतलब होता है, जो फॉर्मूलाज होते हैं जो कि इसके अंदर अप्लाई होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ही एग्जांपल दिए हैं। देन हम बात करते हैं एपोथिकेरिस सिस्टम की। तो एपोथिकेरिस सिस्टम को हम ट्रॉय सिस्टम भी बोलते हैं, और इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो ग्रेन होती है। इसके अंदर हर चीज़ ग्रेन के अंदर मेज़र होती है, मतलब ग्रेन ही सबसे बड़ी यूनिट होती है, उसके बाद में उससे छोटी 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 सारी यूनिट्स रहती है। सबसे बड़ी मतलब सबसे स्टैंडर्ड यूनिट। तो अगर हम बात करते हैं 20 ग्रेन्स की, तो 20 ग्रेन का मतलब होता है 1 स्क्रपल, 60 ग्रेन्स का मतलब होता है 1 ड्रेच, 8 ड्रेच का मतलब होता है 1 आउंस, एंड 12 आउंस का मतलब होता है 1 पाउंड। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इन इम्पीरियल सिस्टम। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इम्पीरियल सिस्टम के अंदर जो होता है वो गैलन जो होता है, जो मेन स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो गैलन होती है। जैसे हम लोगों के होती है ना लीटर, वैसे इम्पीरियल सिस्टम में क्या होती है, गैलन होती है। जैसे 60 फ्लूइड आउंस का मतलब होता है 1 गैलन, 40 फ्लूइड आउंस का मतलब होता है 1 क्वार्ट, 20 फ्लूइड आउंस का मतलब होता है 1 पिंट। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक सिस्टम की। तो मैट्रिक सिस्टम हम सभी लोगों का वेल नोन है,
और मोस्टली जो आईपी होता है उसके अंदर वेट और मेजरमेंट हम जो भी करते हैं किसी का भी, चाहे कैपेसिटी का करो चाहे हम किसी भी वेट का करो, वो हम मेट्रिक सिस्टम में ही करते हैं। आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपियाज के अंदर जितनी भी क्वांटिटी देते हैं हम वो मेट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही देते हैं। द मेट्रिक सिस्टम इन इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1964 इन फार्मेसी प्रोफेशन। कब अप्लाई किया गया था इसे? 1 अप्रैल 1964 के अंदर। द मेजरमेंट ऑफ वेट इन मेट्रिक सिस्टम, अ किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट। ये तो वेल नोन है कि हमारे इंडिया के अंदर किलोग्राम ही एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है और इसी का अधिकतर यूज़ किया जाता है और इससे छोटी यूनिट्स का यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को नापने तोलने में। और जो कैपेसिटी की बात करते हैं, लिक्विड्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर लीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट हम लोगों के होती है और उसके बाद लीटर, मिलीलीटर। देन इसकी जो कैलकुलेशन होती है मेनली दो ही चीज़ों पे बेस्ड होती है, एक तो डेंसिटी और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी हम सब जानते हैं किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होता है, किसी भी द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अ सब्सटेंस इन एयर टू दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, कि किसी भी सब्सटेंस का एयर के अंदर मास और उसका उसी इक्वल वॉल्यूम के वाटर के अंदर उसका मास, हम अगर उसका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। मेट्रिक सिस्टम के अंदर ये मेनली ये जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी अगर हमें निकालनी है तो हमें किसी भी चीज़ का वेट और उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। और इसी फॉर्मूला से हम और दो फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे हम इसी फॉर्मूला से वेट भी मेज़र कर सकते हैं, वॉल्यूम भी मेज़र कर सकते हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज यूज इन द मेट्रिक सिस्टम। नाउ देन एल्कोहलिक डायल्यूशन। एल्कोहलिक डायल्यूशन मेथड के अंदर मैंने डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। एल्कोहलिक डायल्यूशन मेथड में यही होता है कि कभी भी जो हायर कंसनट्रेशन का एल्कोहल होता है उससे अगर हमें और किसी कंसनट्रेशन का एल्कोहल बनाना है या लोअर कंसनट्रेशन का एल्कोहल बनाना है, तो कि हायर एल्कोहल को हायर कंसनट्रेशन वाले एल्कोहल का हम कितना परसेंट लेंगे कि वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी का एल्कोहल हम प्रिपेयर कर सकें। तो हम इसे डायरेक्टली एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 45% एल्कोहल। मतलब इसके अंदर हमें कितना ml रिक्वायर्ड है, 400 ml हमें प्रिपेयर करना है और कितने परसेंटेज का हमें प्रिपेयर करना है, 45% एल्कोहल हमें प्रिपेयर करना है। द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल यूज, यानी कितने परसेंटेज को दिया हुआ है हमें, 95% एल्कोहल हमें दिया हुआ है, इससे हमें 45% का 400 ml एल्कोहल प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए हमें ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल टू बी यूज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज यूज्ड। सो 400 जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो है इनटू 45, यानी जो हमें परसेंटेज जो रिक्वायर्ड है वो 45% है, देन 95 जो हम यूज़ कर रहे हैं, और इनका सबका कैलकुलेशन करके हम अप्रोक्सीमेटली 190 ml जो 95% एल्कोहल है उसका यूज़ करेंगे और उससे हमारा 45% एल्कोहल हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एलिगेशन मेथड की। ये भी काफ़ी सिंपल मेथड होता है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ का परसेंटेज या कैलकुलेशन करने के लिए, किसी भी प्रिपेयर करने के लिए सब्सटेंस को या मिक्सिंग को। व्हेन द कैलकुलेशन इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ टू सिमिलर प्रिपरेशंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ, द एलिगेशन मेथड इज यूज्ड। द मेथड इज रिकमेंडेड फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग द कैलकुलेशन। इस मेथड को मेनली कैलकुलेशन को चेक करने के पर्पस से भी यूज करते हैं। जैसे सपोज अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% एल्कोहल, कि आप 95% एल्कोहल का कितना वॉल्यूम लेंगे कि आप 70% एल्कोहल बना लेंगे उसका 600 ml।
तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना चाहिए, 600 ml चाहिए, और परसेंटेज ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड कितना परसेंट हमें बनाना है, 70% अल्कोहल बनाना है, और हम कितना परसेंट यूज़ कर रहे हैं, 95% अल्कोहल हम यूज़ कर रहे हैं। अब इस एलिगेशन के मेथड के अंदर हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूला में यहाँ पर हम जो भी हायर कंसेंट्रेशन दी जाती है वो लिखते हैं। जैसे हमारी यहाँ पे 95 हायर कंसेंट्रेशन है, हमने वो लिखा। हमें डिजायर्ड स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, 70% चाहिए हमें डिजायर्ड। देन जो लोअर स्ट्रेंथ है वो हमारी कितनी है, 0 है। यहाँ पे हमें जो भी लोअर स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं दी गई है, मतलब हम उसे 0 ही कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हायर स्ट्रेंथ के अंदर से डिजायर्ड स्ट्रेंथ को माइनस करके जो भी आएगा उसे इस कॉलम के अंदर लिखते हैं, और जो भी फिर इसके अंदर भी डिजायर्ड स्ट्रेंथ में से लोअर स्ट्रेंथ को माइनस करके जो भी आंसर आता है उसे हम इस कॉलम के अंदर लिखते हैं। तो इस कॉलम में जो भी आंसर आता है वो किसके पार्ट्स ऑफ हायर स्ट्रेंथ के, मतलब जो भी आंसर आता है वो हायर स्ट्रेंथ के पार्ट्स होते हैं, और इसमें जो भी आंसर आता है वो लोअर स्ट्रेंथ के पार्ट होते हैं। इसके अंदर क्रॉस के अंदर करते हैं कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ पे आया हुआ जो भी पार्ट्स हैं वो हायर स्ट्रेंथ का माना जाता है, और इस कॉलम में आया हुआ कोई भी पार्ट लोअर स्ट्रेंथ का माना जाता है। देन जैसे हमने 70 पार्ट्स ऑफ 95% अल्कोहल लिया है, और 25 पार्ट्स ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस द अल्कोहल ऑफ रिक्वायर्ड परसेंटेज। जैसे कि इसको अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 95% अल्कोहल हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 70% अल्कोहल, मतलब 70% हमें स्ट्रेंथ चाहिए। यहाँ पर 0 आता है, देन 95 में से 70 गए तो हमें कितना मिलता है, यहाँ पे 25% आंसर्स का आता है, तो हम उसे इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। एंड देन डिजायर्ड स्ट्रेंथ 70 थी, 70 माइनस 0 किया तो हमने यहाँ पर 70 लिखा है, मतलब 70 पार्ट्स ऑफ हायर स्ट्रेंथ एंड 25 पार्ट्स ऑफ लोअर स्ट्रेंथ। सो 70 पार्ट्स ऑफ 95% एल्को 95% एल्कोहल एंड 25 पार्ट्स ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस रिक्वायर्ड परसेंट ऑफ एल्कोहल। सो क्वांटिटी, अब ये हमें पार्ट्स मिले हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, उनका एग्जैक्टली कितने ml लिया है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। द क्वांटिटी ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड दैट इज 600 × 70 डिवाइडेड बाय 95, तो उसका आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 422.10 ml हम कितना लेंगे, 95% एल्कोहल लेंगे। देन क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, अब इतना तो हमने एल्कोहल ले लिया, अब इसके अंदर हम कितना वाटर ऐड करेंगे कि हमारा 70% एल्कोहल बन जाए, तो उसकी भी हम क्वांटिटी निकाल देंगे कि 600 × 25 डिवाइडेड बाय 95 दैट इज 157.90 ml, यानी 157.90 ml हम वाटर लेंगे और 422.10 ml हम एल्कोहल लेंगे, तो हमें 70% एल्कोहल वो भी 600 ml के अंदर वो हमें मिल जाएगा। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, या जिनके अंदर जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी मतलब आप आयंस मान लो या प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, वो सारी अगर सेम है एज ब्लड प्लाज्मा तो दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको जैसे हम इफ RBC यानी रेड ब्लड सेल इज इन कॉन्टेक्ट विद अ सॉल्यूशन दैट हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, द सेल विल नाइदर स्वेल और श्रिंक, दैट इट विल रिटेन इट्स टोन एंड देयर फॉर द सोल्यूशन इज सेट टू बी आइसोटोनिक। मतलब RBC किसी ऐसे सोल्यूशन के संपर्क में है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ब्लड के ब्लड प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, या उसका जो भी प्लाज्मा कंस्टिट्यूएंट्स के बराबर उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो जो भी सेल वॉल होती है उस RBC की, वो न तो स्वेल होती है न ही श्रिंक होती है, तो इस तरीके का जो भी सॉल्यूशन होता है उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और किसी भी सॉल्यूशन का आइसोटोनिक होना है या नहीं, उस चीज़ का हमें काफ़ी अच्छे से पहले उसकी कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन करके पता लगा सकते हैं।
then the solution have the same osmotic pressure are also called isoosmotic solution. और जिसके अंदर ब्लड RBC के या ब्लड प्लाज्मा के बराबर ही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो दैट इज दिस दैट सोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसो ऑस्मोटिक सोल्यूशन. कई तरह की जो पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती है उनके अंदर आइसो ऑस्मोसिटी और आइसोटोनिसिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता है ना कभी कभी हम आई ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, इंजेक्शन्स वगैरह लगाते हैं, तो उनका जो भी उन्हें आइसोटोनिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और आइसोटोनिक सॉल्यूशन कब कहलाता है, जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अगर कोई भी सॉल्यूशन 0.9% से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन जिसके अंदर होती है देन दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. And the solution which contain less than 0.9% of sodium chloride solution, then that is called hypotonic solution. और ये hypertonic solution और hypotonic solution दोनों ही हमारी body के लिए harmful होते हैं. Then the general principles for adjusting और adjustment of isotonicity. क्यों मतलब इसके क्या general principles होते हैं, जैसे solution जो हम intravenous use करते हैं injection वो isotonic होने चाहिए, और सॉल्यूशन जो कि हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन यूज़ करते हैं उनकी भी आइसोटोनिसिटी नीडेड होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नीडेड नहीं होती है क्योंकि वो क्या करते हैं डायरेक्टली फैटी टिश्यू के अंदर लगते हैं, वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली नहीं जाते हैं, वो फैटी टिश्यू के अंदर इंजेक्शन लगते हैं, तो उनकी आइसोटोनिसिटी होनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती है. देन सॉल्यूशन फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के अंदर जो भी सॉल्यूशन अगर हम डालते हैं तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है, होना चाहिए, क्योंकि अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो वो उसके एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा. देन सॉल्यूशन फॉर इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन रिक्वायर्ड आइसोटोनिक फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस. जो भी इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं उन्हें भी आइसोटोनिक होना चाहिए, क्योंकि वो किसके लिए यूज़ होते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए. देन सॉल्यूशन यूज फॉर नेजल ड्रॉप्स वो तो आइसोटोनिक होने ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा जल्दी चले आते हैं. देन द सॉल्यूशन यूज फॉर आईज दैट शुड आल्सो बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन. देन तो इस तरह से अलग अलग रूट्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. देन हम बात करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट की. अब किसी भी चीज़ में टेम्परेचर का मेज़रमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है. अब टेम्परेचर का कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है सेंटीग्रेड क्या होता है, फॉरेनहाइट क्या होता है, और कितने सेंटीग्रेड में कितने फॉरेनहाइट होते हैं, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो आज इसके लिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है. इसमें क्या होता है, जो भी टेम्परेचर होता है उसका फार्मेसी के अंदर मेजरमेंट या तो फॉरेनहाइट या फिर सेंटीग्रेड थर्मामीटर्स के थ्रू करते हैं. तो फॉरेनहाइट सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट के डिग्री के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है कि 9 ब्रैकेट में आता है डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में आता है डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 160. मतलब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसे हम किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड को किसी भी फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कितने भी फॉरेनहाइट हो उसको हम डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. देन सोर्स ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन. अब प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कई तरीके की सोर्सेस ऑफ एरर्स होते हैं, यानी प्रिस्क्रिप्शन में भी कई तरीके की ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से गलतियां हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अब एब्रीवेशन की. एब्रीवेशन में क्या होता है कि कोई जैसे सपोज किसी ने किसी ड्रग की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है तो फार्मासिस्ट कई बार समझने में उसको दिक्कत कर जाता है और उसे कुछ अलग ही पढ़ लेता है, इस वजह से फिर वो अलग दवा दे देता है. तो एब्रीवेशन से भी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एरर के सोर्सेज बढ़ जाते हैं. उसके बाद नेम ऑफ ड्रग, कई बार होता है ना, मैंने कई बार ये बताया भी है, क्लास के अंदर भी बताया है कि कई बार जो सेम नेम लगभग जो समान नाम होते हैं उनके अंदर भी दिक्कत हो जाती है, जैसे डिजिटॉक्सिन एंड डिजॉक्सिन लगभग इनका नाम सेम ही है, तो जो फार्मासिस्ट होता है कई बार डिजॉक्सिन की जगह डिजिटॉक्सिन दे देता है और डिजिटॉक्सिन की जगह डिजॉक्सिन दे देता है, तो उससे भी कई बार एरर के चांसेस रहते हैं. देन स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन. द स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन शुड बी स्टेट बाय
stated by the prescriber. For example, it will be a wrong decision on the part of a pharmacist to dispense paracetamol tablet 500 mg when the prescription for paracetamol tablet is received with no specific strength. कई बार क्या होता है, जो प्रिस्क्राइबर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो किसी भी दवा की, वैसे वो मैक्सिमम दवा लिख लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में होता है या किसी गलतीवश अनजाने में गलती कर देते हैं, वो किसी भी दवा की स्ट्रेंथ नहीं लिख पाते हैं, और उस कंडीशन के अंदर अगर वो प्रिस्क्रिप्शन किसी फार्मासिस्ट के पास जाता है और फार्मासिस्ट अगर अपनी मर्जी से उस दवा की स्ट्रेंथ दे देता है, तो भी गड़बड़ हो जाती है कई बार, कि किसी को अगर लोअर स्ट्रेंथ की पैरासीटामोल चाहिए होती है और अगर वो 500 mg दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, और किसी को 500 mg देनी है और वो किसी और स्ट्रेंथ की दे रहा है तो भी दिक्कत हो सकती है. तो इस तरह से स्ट्रेंथ की वजह से भी कई बार एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन हम बात करते हैं डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड, कि कई बार क्या होता है, एक ही ड्रग कई तरह की डोजेस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती है. कई बार क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये लिखना भूल जाते हैं कि ये जो मेडिसिन है उसको किस तरीके की डोजेस फॉर्म में हमें लेना है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है या एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन आता है डोज. डोज के अंदर क्या होता है कि कई बार डॉक्टर्स ये लिखना भूल जाते हैं कि एक ही, सपोज एक सस्टेंड रिलीज टेबलेट डॉक्टर ने दे दी है और उसको हर फ्रिक्वेंटली 4 घंटे के अंदर खाना होता है, और एक दिन में दो चार से या चार या पाँच मतलब चार या पाँच घंटे के अंदर उसे खाना पड़ता है, मतलब दिन में 2 या 3 उसकी डोज हो जाती है. तो कई बार डॉक्टर ये लिखना भूल जाते हैं और जो पेशेंट होता है वो अपनी मर्जी से ही उस डोज को ले लेता है, जैसे एक सुबह एक शाम वो आइडल इस बात को समझ कर ले लेता है, तो उससे भी उसे प्रॉब्लम हो सकती है, और ये भी एक एरर का सोर्स है. देन इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, कई बार पेशेंट को फुली इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते हैं कि इस दवा को कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, सोने से पहले लेना है, या किस तरीके से, मतलब उसका क्या है वे ऑफ टेकिंग, कई बार इंस्ट्रक्शन पेशेंट्स को नहीं दे पाते हैं, तो दैट इज़ आल्सो केम इन एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. देन द लास्ट इज इनकम्पेटिबिलिटीज़. इनकम्पेटिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जब गलती से कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर कुछ ऐसी दवाइयाँ आप एक साथ दे देता है जो कि आपस में कंपेटिबल नहीं होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि उनके अंदर एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं. मतलब कंपेटिबल नहीं होती, मतलब एक दवा अगर दूसरी दवा एक मतलब ऐसे सब्सटेंस है जो एक दूसरे के साथ हमेशा हार्मफुल इफेक्ट ही देंगे, तो वो क्या है, एक दूसरे के साथ कंपेटिबल नहीं है, और वो हमारे अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. सो दिस पॉइंट इज आल्सो कैम इन एरर ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन. सो थैंक यू. विद दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर द प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर. सो थैंक यू सो मच.